इस समय की सबसे दुखी खबर यह है कि गुलडंडा जो है वो एक डेस्टिनेशन प्लेस है, बहुत खूबसूरत प्लेस है। गुलडंडा में एक गाड़ी गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत जो है वो ऑन स्पॉट हो गई है। गाड़ी जो है बहुत ऊपर से नीचे खाई में गिर गई है। तो ये इस वक्त हम डंडी के हॉस्पिटल SDH भदरवा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है सामने SDH भदरवा की है। इस एक्सीडेंट में जो लग रहा है बेमू साहब, हमारे यहाँ पर जो है साथ में मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर है, पुलिस वाले यहाँ पर है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है वो तैयार है, बिल्कुल डोडा के लिए शिफ्ट करने वाले हैं पेशेंट को। तो इस समय की सिचुएशन जो है वो ये बिल्कुल आपके सामने है। और इस समय SDH भदरवा के डंडी हॉस्पिटल में SSP साहब और DC साहब भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ SDH भदरवा में आए हुए हैं। जो क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, उस शिफ्ट किया जा रहा है SDH भदरवा से डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए। जी हाँ, और ये ऊपर से आप देख सकते हैं जो अन्य लोग फंसे हुए थे, 2 लोग, एम्बुलेंस आ रही है। इस समय के हालात जो हैं SDH भदरवा के बहुत ज़्यादा नाजुक है। बहुत सारी फैमिलीज जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और जो 2 लोग बताए गए थे कि अभी तक हॉस्पिटल को नहीं लाया गया है, एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अच्छा काम जो है इस समय SDH भदरवा के डॉक्टर्स, BMO, मेडिकल स्टाफ जो है कर रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो शख्स है ये मेडिकल डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ रखता है SDH भदरवा के, और ख़ुद भाग रहे हैं ताकि एम्बुलेंस को जल्द से जल्दी ला सके। और ट्रैफिक पुलिस का बहुत अच्छा काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची है। पुलिस प्रशासन का काम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम है। हमेशा पुलिस को बोला गया, लेकिन आज आप काम देखिए। ये साफ साफ तस्वीरें जो हैं SDH भदरवा के डंडी हॉस्पिटल की हैं। जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनको अंदर डाला जा रहा है। जो 2 लोग बताए गए थे ये वही 2 लोग हैं जिनके बारे में पहले मालूमात नहीं थी, और पुलिस प्रशासन खुद काम करते हुए नज़र आ रही है। भदरवा के गुलडंडा इलाके में, गुलडंडा जो है वो एक डेस्टिनेशन प्लेस है जहां पर लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं। एक गाड़ी जो है ट्रैक्स बताई जा रही है जिसमें 17 लोग सवार थे। ये सूत्रों के हिसाब से खबर जो है हम तक पहुंची है। 17 में से 5 की अभी तक कैजुअलिटी हुई है। 2 अन्य जो लोग अभी तक नहीं मिल रहे हैं उनको देखने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ SDH भदरवा के BMO ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और उन्हें एम्बुलेंसेज में बहुत सारे अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को भी भेजा है। साथ ही साथ अबबील की अगर हम बात करें तो अबबील भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तस्वीरें जो आप कश्मीर क्राउन के पेज पर देख रहे हैं ये SDH गुलडंडा की है। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते, देशभक्त यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIEDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।